नमस्कार दोस्तों, नवीन जोशी व्लॉग में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के प्रधान रविंदर यादव। तो इनसे चर्चा में पूछेंगे लॉकडाउन के दौरान कैसे लोगों को न्याय मिल रहा है, क्या क्या इन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है। तो प्रधान जी, रविंद्र यादव जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नवीन भाई नमस्कार मेरी तरफ से। आज आप हमारे यहाँ पे आए हो चैम्बरों में। हमने यहाँ बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ की तरफ से कोर्ट के सामने जो नगरपालिका का चेयरपर्सन है उससे मैंने कॉल करके वहाँ पे एक हैंड वॉश मशीन, दो सैनिटाइज़र मशीन दोनों लगवाई हुई है। तो इनसे पूछेंगे आगे। वीडियो में आप लगातार बने रहना, देखते रहना, वीडियो में स्किप ना करें वीडियो को। बहुत ही अहम जानकारी इस वीडियो संदेश के द्वारा प्रधान जी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधान जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे, लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान लोगों को न्याय कैसे मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? जो ये महामारी है इसमें जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हुए हैं, उसके अनुसार जो अर्जेंट नेचर के वर्क हैं उनके ऊपर ही सुनवाई हो रही है। उसमें ओनली सोशल डिस्टेंस अपनाकर जिस वकील को उसके लिए पैरवी के लिए जाना होता है उसी को जाना है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इसकी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ओनली अर्जेंट नेचर में जिसमें बेल अप्लीकेशन और इंजेक्शन शूट ही सुने जा रहे हैं, उसके अलावा और सभी को एग्जोन किया जा रहा है, आगे डेट लग रही है। प्रधान जी, दूसरा मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने कोरोना महामारी के चलते क्या क्या प्रिकॉशन अपनाए हुए हैं यहाँ कोर्ट कैंपस में? हमने सबसे पहले तो दो बार इन जो लोएस्ट चैम्बर हैं इनको सैनिटाइज़र किया हुआ है, और उसके साथ जो कोर्ट का मेन गेट है उस पर हमने हैंड वॉश मशीन लगाई हुई है, दो सैनिटाइज़र मशीन लगाई हुई है, और नगर पालिका को मैंने पर्सनली कहा हुआ है चेयरपर्सन को कि हमें दो सैनिटाइज़र मशीन लोएस्ट चैम्बर के सामने भी उपलब्ध करवाई जाए, वो भी एक दो दिन में हो जाएंगे। उसके साथ मैंने डॉक्टर बीपी यादव को यहाँ पे बुलाया था और उसको होम्योपैथिक के लिए जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वकीलों को और जो कोर्ट का स्टाफ है उनको भी उपलब्ध करवाई थी। आपने ये सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई। प्रधान जी, मेरा अगला सवाल यही रहेगा आपसे कि इतनी महामारी जो फैली हुई है, वकीलों की आजीविका थी वकालत, तो बहुत से वकील ऐसे भी होंगे जो वकालत पर ही सीमित हैं। तो आपकी जो संस्था है बार काउंसिल, उन्होंने कुछ अनुदान राशि, आर्थिक सहायता निडी वकील को दी है? मैंने बार काउंसिल के चेयरमैन को रिटर्न में एक लेटर सेंड किया है अप्रैल में। उसके बाद बार काउंसिल ने 16 अप्रैल तक इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म उसके लिए मांगे हैं कि जो नीडी वकील है उनको बार काउंसिल कुछ आर्थिक सहायता देगी, और महेंद्रगढ़ में 31 वकीलों को 5,000 रुपये का अनुदान राशि बार काउंसिल की तरफ से मिली है। 20-22 वकील हमारे रह गए हैं जिनको वास्तव में नीड थी और वो न्यू कमर्स भी थे, उनको भी शायद बार काउंसिल में मैंने दोबारा उनको रिमाइंड कर दिया। बार काउंसिल के सेक्रेटरी, बार काउंसिल के मेंबर्स, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो शायद जल्दी उनका भी समाधान हो जाएगा और उनको भी बार काउंसिल की तरफ से लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हमें आर्थिक सहायता मिली है बार काउंसिल की तरफ से। तो प्रधान जी, मेरा अगला सवाल यही है आपसे, आप ऑफिस यहाँ चलाते हो, वकालत करते हो, तो आपके नीचे जो मुंशी हैं, क्लर्क स्टाफ हैं, स्टेनो है, उनका भी आजीविका आप पर ही निर्भर करती थी, क्या ऐसी कोई सहायता वकीलों के द्वारा या अन्य कोई समूह जो हो उनको कुछ दी गई या नहीं? उनके लिए भी हमने बार के कुछ सीनियर वकील साहिबानों को सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए उस मामले में हमने डिस्कस किया है, तो उसमें सीनियर वकील जो जिनके मुंशी हैं उनकी जितनी अवेलेबल हो सकेगी उतनी सहायता करेंगे। लॉकडाउन के चलते, महामारी के चलते हमारी जुडिशरी है उसका कितना कोऑपरेशन रहा है?
जहाँ जुडिशरी की बात है, इस महामारी में सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, सभी को पता है कि ये विश्व में फैली हुई महामारी है। कुछ समय पहले महेंद्रगढ़ ग्रीन जोन था, काफ़ी दिन तक रहा है, लेकिन आज दिन महेंद्रगढ़ में भी 39 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं। तो इसके लिए हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि हमें मुँह पर मास्क का यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस अपनाना चाहिए, और सभी अपना भी रहे हैं। जुडिशरी भी इसमें कोऑपरेट कर रही है कि जो ज़रूरी है जिस केस में पेश होना वही वकील जा रहा है, नहीं तो सभी वकील अपने घर पे हैं। और मैंने तो सभी वकीलों से रिक्वेस्ट भी की है, अपील भी की है कि आप घर पे ही रहिए, और सीनियर वकीलों को जो 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले वकील हैं उनको तो मैंने स्पेशल कहा है कि आप कोर्ट में मत आइए, और जितने भी हमारे क्लाइंट हैं मुक्किल हैं उनको अगर कोई तारीख का पता करना है तो उनको फ़ोन पे ही बताइए, कोर्ट के अंदर मत आने दीजिए किसी को भी, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से बैठने से मिलाने से उनसे फैलती है। इसके लिए हम हर डेट को फ़ोन पे ही बता रहे हैं और सभी वकील साहिबान इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट कैंपस में तहसील भी है, यहाँ आपके कोर्ट का कैंपस भी है, लॉयर्स चैम्बर भी हैं, तो यहाँ आने वाले क्लाइंट और तहसील में जो काम करवाने वाले आते हैं, एक वकील होने के नाते और एक वकीलों का आप प्रधान होने के नाते, आपको उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? इस मामले में जब मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालना कम हो रही है, तो इसके लिए मैं जो हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में एसडीएम है मीणा जी, उनके पास मैं और 3-4 वकील साथी उनके पास गए हैं, और हमने उनको भी बताया कि यहाँ पे थोड़ा सी और आप जितने अच्छे तरीके से इस महेंद्रगढ़ के लिए काम कर रहे हो तो सोशल डिस्टेंस अपनाओ, और जो काम है उनको टोकन सिस्टम से रूटीन वाइज सोशल डिस्टेंस से उनका काम भी हो जाए और इस बीमारी से बचाव भी हो सके, तो ये चीज़ अपना रहे हैं। तहसील कार्यालय के अंदर भी सैनिटाइजर मशीन रखी हुई है जो RPS कॉलेज ऑफ गुरु बलाना ने दी हुई है, जिनके चेयरपर्सन डॉक्टर OP यादव है, वो भी हमारे वकील साहिब है, उन्होंने भी बार में भी एक सैनिटाइजर मशीन दी हुई है, कोर्ट कैंपस में भी दी हुई है, तहसील में भी दी हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि और भी जरूरत पड़ेगी तो बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ को और मशीनें भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये थे हमारे साथ आज की चर्चा में रविंद्र यादव, बार एसोसिएशन के हालिया प्रधान हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका वीडियो संदेश था आप तक, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने जानकारी पहुंचाई है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो और समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए ये मैसेज, वीडियो मैसेज, तो इसको शेयर भी करें, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।